अभी तो तुम सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मेरी आज्ञा का पालन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और यदि कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिय नहीं, तब तुम क्या करोगे गजमुखासुर? किस उद्दंड का स्वर था ये? किसने किया इतना दुस्साहस? दंड तो नहीं गजमुखासुर, ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। चुनौतियाँ तो मुझे अत्यंत प्रिय है मूर्ख, क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत्यु के मुख में ही प्रवेश करता है। और किसी को मृत्यु देना मुझे विशेष आनंद देता है। तो जो भी है तू कहो, मैं वहां आऊं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा? अब मेरा वार तेरा संहार करेगा मूर्ख। मुझे चुनौती देने का दंड तो तुझे अवश्य प्राप्त होगा। इतना शीघ्र नहीं गजमुखासुर, अभी तक मैंने पराजय स्वीकार नहीं की है। असुर हो इसलिए ये तो नहीं कहूंगा कि अपने अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण कर लो, किंतु अत्यंत भाग्यशाली हो तुम, क्योंकि अभी यही मेरे हाथों तुम्हारा संहार होगा। अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी शक्ति का प्रयोग कर रहा है मुझ पर, जिसने मुझे अपने प्रभाव से ही जड़ कर दिया। गजमुखासुर, अपना अस्त्र नीचे रखो, पराजय स्वीकार करो। इस मायावी ने तो किसी माया में पान दिया है मुझे, कैसे मुक्त हूं मैं? मैं तुमसे दुर्बल हूं, तुम विजय हुए, मैं पराजय स्वीकार करता, तुम मेरे सिंहासन पे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा।
असुर सम्राट बन गए सिंदूरा। अति बलशाली महानायक असुर सम्राट सिंदूरा। ये सिंघिका सभी असुरों की ओर से आपका अभिवादन करती है। असुर महानायक सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर सम्राट सिंदूरा की, असुर महानायक सिंदूरा की। देवलोक में इतना प्रकाश क्यों है? किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये देवता? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा व शारदा, इंद्र सहित सारे देवी व देवता, पार्वती सुत को आशीष दे रहे, कैलाश से सब प्रस्थान दे रहे, दिव्य अनुपम दृश्य उत्पन्न हुआ, हर्षित अचंभित देखे विनायका। देवताओं में इतना उल्लास तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राट सिंदूरा, कि आपके राज्यकाल के प्रारंभ में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्न हो रही है। तो तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? शीघ्र ज्ञात करो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। इतना प्रकाश क्यों है वहाँ पर? इतनी हलचल क्यों मची है? ज्ञात करो। सिंदूरा प्रस्तुत है किसी भी चुनौती से संघर्ष करने के लिए। युद्ध, हाँ हाँ युद्ध, उसी से आनंदित होते हैं हम असुर। युद्ध चाहता है सिंदूरा। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पुष्प लेकर आ रही हूँ, तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती। चंपा के पुष्प प्रिय है पार्वती को, किंतु तुमने चमेली के पंखुड़ियों से उसका आसन सज्जित कर दिया। क्यों भला? मेरे कहने पर एक गण मेरे द्वारा चुने हुए चंपा के पुष्प लेकर आया है मेरे साथ। वैसे विजया, तुम्हारा वो गण और चंपा के पुष्पों की डलिया कहाँ है? वहाँ। कहाँ? हमारे ऊपर पंखुड़ियां उड़कर कहां से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपनी चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो, ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती हैं? पुत्र,
मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती हैं। जया मौसी, ये अपनी सून मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदाई स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा, संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंहिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए, असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूँ मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए, वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने, प्राण दंड दो या क्षमा कर दो इसे। वही जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा। इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूँ? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना? पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो
अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं, जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलाद पुत्र नंदी है, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा, मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ, वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न होगे, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था, तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह, मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी, अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है, इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना, अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा, क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ। पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा, जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है, सूंड जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना, एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना। अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है, कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर? जो भी हो चले जाओ यहाँ से, हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर
मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। कैसी कंपन? इस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है। यह इंद्रलोक पर किसका आक्रमण है? मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? क्या है वो जया अपने आप को? मैंने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो भी नहीं रुकी, पार्वती का आसन सज्जित करने में लग गई। मुझसे हमेशा श्रद्धा करने में क्यों लगी रहती है वो? बहुत तीव्र सुगंध आ रही है, कुछ तो अवश्य है यहाँ। कहिए सूर्ण जी, क्या ज्ञात हुआ आपको? क्या वहाँ उस दिशा में उस शिलाखंड के पीछे? कौन है ये जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? देवराज इंद्र महाराज। तो ये मधुर सुगंध फलों की है। इतने सारे स्वादिष्ट फल ये अकेले अकेले खा रहे हैं? इतना आनंद आ रहा है मुझे, अभी तो मैं इतने पाऊंगा उतने पत्ता दीजिए भी, तब चाहूंगा तब तब मेला है। बस कोई मुझे यहाँ देखते मिले फल मानने ना आ जाए। मेले मनता भला में ये तो है यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे? मेरे पहले चाहता आन पतलता तीजा तल दो। लो, दिल बदल दिया इनता। देता है। क्या कहा आपने? सुनिए, मैंने ये ता दिल बदल दिया इनता। ये अत्ता है। ओह, अच्छा, अब समझा। ये कहा था आपने? चलो, सिर बदल गया इनका। ये अच्छा है। इतना तुद्दी माने आप? इतनी जल्दी तो मत दे। दिल थी, ताली थी। नहीं नहीं,
इसे मैं नहीं खाऊंगा, इसे आप ही खा लीजिए। और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में। फल किसी के लिए थोड़े होते हैं, वो तो खाने के लिए होते हैं। आह, आनंद आ गया। लुटी लुटी, ये तो तोड़ दी दिया। देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूँ, जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहां आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। फल दादा, फल दादा, कितने स्वादिष्ट फल थे, आनंद आ गया। आपका अनेकों धन्यवाद। मैं तो यह देना था आपको, अब तो दादा। तब्बल दादा, मैं तब्बल दादा, मैं अब तो यह देना था, अब मैं ताले ताले ताले। हाँ हाँ, खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ा कर दिया था। माता पार्वती के पुत्र मेरे पल दादा और मातला ही है। पुत्र, तुमने तोतला गंड से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई, उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसके प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया, मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ये कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको। अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर
वहाँ के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी और आप विंध्याचल जाकर वहाँ प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहाँ देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे आप सब यही खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी जी माता। इतना अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए। मूर्ख देवताओं, मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है तुम्हें। मुझसे संघर्ष करने का निर्णय किया है तो उसके दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम सभी। तुम्हारी संयुक्त शक्ति भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसने तो हमारा वार हम पर ही लौटा दिया, ये कैसे संभव है? मूर्ख देवताओं, अब मेरे वार का सामना करो। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। मेरे पुत्र को अपने जीवन के आरंभ में ही इतनी कठोरता का सामना करना पड़ा है, किंतु अब मैं उसका जीवन कोमलता से भर दूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जैसे मरुस्थल को वर्षा की फुहार तृप्त करती है, वैसे ही मुझे माँ बनाकर तुमने मेरे जीवन को सभी सुखों से भर दिया है पुत्र।
अपनी संतान का ध्यान रखना ही तो माँ के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या हुआ है माँ को? मुझे देखकर मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी और अब बिना कुछ कहे कहीं जा रही है। देखता हूँ। राजेंद्र, देखो कैसे मैंने अपने पास में बांध लिया तुम्हारे सभी देवताओं को, निष्क्रिय कर दिया उन्हें। अब हम दोनों का सामना होगा एक दूसरे के साथ। दुर्भाग्यवश हमारे इस परस्पर युद्ध में पराजित तुम ही हो गए। दुष्ट असुर सावधान! शब्दों से नहीं, योद्धा हो तो अपने अस्त्र से पराजित करो मुझे, किंतु तुम्हारे वज्र प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ मुझ पर। सर्वशक्तिमान हूं मैं, नहीं टिक पाओगे मेरे समक्ष। मेरा वज्र भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका और इसने इतनी सहजता से मुझे गिरा दिया, किंतु मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए तुम्हारा कक्ष तैयार कर रही हूँ पुत्र, तुम्हारा बिछौना सजा रही हूँ। मेरे पुत्र को तनिक भी कष्ट ना हो इसकी व्यवस्था कर रही हूँ। अरे सारे दीपक क्यों नहीं जल रहे? मैं इन्हें जला देती हूँ। पिताश्री, माँ माँ, कितनी लंबी और घनी जटाएं हैं पिताश्री की, किंतु उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या वो ज्ञात है आपको माँ? पुत्र, अब मुझे मेरे कार्य करने दो, तुम बाहर जाकर क्रीड़ा करो। कहिए ना माँ, आपको ज्ञात है क्या? मैंने उचित समझा था, आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं बताता हूँ, नंदी जी है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार पिताश्री ने अपनी इन जटाओं में माँ गंगा को ही समाहित कर लिया था। ऐसे हैं मेरे पिताश्री।
किया पुत्र तुमने? अभी मैंने ठीक किया था और अभी तुमने बिगाड़ दिया। अब इसका कक्ष तो ठीक हो गया, अब रसोई देख लेते हैं। किंतु रसोई में तो अभी अनेकों कार्य करने को शेष है। यदि ये इसी प्रकार मुझे तंग करता रहा तो एक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। किसे बुलाऊं इसका ध्यान रखने के लिए? महाबलशाली महायोद्धा असुर सम्राट हूं मैं। तुम्हारी शक्ति मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु मैं एक ही क्षण में तुम्हारा भक्षण कर सकता हूँ। त्रिलोकों में कौन है ऐसा जो मुझसे तुम्हारी रक्षा कर सके? लो, अब मेरा वार सहो। इंद्रदेव को मेरे समक्ष लाचार और विवश देखकर आनंद आ रहा है। अब मुझसे अपना बचाव करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कैलाश पर, बताओ, अन्यथा? ये दुष्ट क्यों जानना चाहता है कैलाश में क्या हुआ? मैं कदापि नहीं बताऊंगा इसे। बताओगे, अवश्य बताओगे इंद्र। तुम्हारे मन को वश में कर विवश कर दूंगा तुम्हें। मेरे नेत्रों में देखो देवराज, शीघ्र बोलोगे अब। वो बालक माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र है। जय देव।